राजनीति में वो क्यों आई, क्या उनकी मंशा रही। वे डॉक्टर हैं, एम्स से उन्होंने अपनी पढ़ाई की और कोरोना काल में आपकी पीड़ाओं को देख प्रभावित होकर उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आज इस मंच से वो सारी बातें आपके बीच में हुई। मैं आरजेडी के बिहार से चल के आए यूथ के अध्यक्ष का भी मैं धन्यवाद और अभिवादन करता हूँ। मेरठ की धरती के लोग बहुत प्रोग्रेसिव विचार के लोग और नौजवान यहाँ के हैं, देश और दुनिया में हर कोने में आपको मिल जाएंगे। ऐसा कोई काम नहीं जो यहाँ के लोग किसान परिवार में पल रहे नौजवान ना कर रहे हों। यहाँ आपको साइंटिस्ट मिल जाएंगे, बड़े बड़े इंजीनियर, चाहे इसरो में हो, चाहे नासा जैसी संस्था में हो, विश्व प्रसिद्ध संस्थाओं में मेरठ में जन्मे नौजवान काम संभाल रहे हैं, गौरव हासिल कर रहे हैं, खेल के क्षेत्र में अपने किसानी से देश का पालन पोषण कर रहे हैं, देश की सीमाओं पर तैनात हैं। और मेरठ की एक और पहचान, जब भी कोई सामाजिक आंदोलन होता है, जब देश को आवश्यकता होती है, जब देश की सरकारों की अवहेलना से, गलत निर्णयों से या देश की संसद के सही तरीके से नीतिगत फैसला जब संसद में नहीं पारित होता, उसके विरोध में भी मेरठ के आम जनमानस की बड़ी भूमिका रहती है, बड़ी भागीदारी रहती है। देश ने देखा है, देश ने गवाही दी है। जब 13 महीने किसान आंदोलन चला, देश की सीमाओं पर किसानों को रोका गया, मेरठ के लोगों ने जब फैसला लिया और निर्णय लिया कि बढ़ चढ़कर अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसान आंदोलन में शामिल होंगे, तब जाके जो है मामला पलटा और सरकार पे दबाव बनाने में मेरठ के जनता, मेरठ के किसान, मेरठ के नौजवान कारगर और प्रभावी साबित हुए। तो मैं लाख बार वंदन करता हूँ धरती का। मेरठ के लोग सब जगह मिल तो जाते हैं, लेकिन जहाँ भी हों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरठ के हमारे नौजवानों को एहसास हुआ होगा कि चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग और चौधरी अजीत सिंह जी की इज्जत करने वाले लोग पूरे देश में मिल जाएंगे। बिहार राज्य का एक विशेष स्थान देश में है। हम ये मानते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग ये मानते हैं, बिहार के हमारे भाई हैं, कि जब भी देश में सामाजिक परिवर्तन होगा, क्रांति आएगी, सामाजिक न्याय की कोई बात करेगा तो शुरुआत बिहार से हो। और बिहार के सदन के विधायक, उन्होंने यहाँ ओजस्वी भाषण दिया, विचार रखे।